डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पूर्व विधायक संगीत सोम बोले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन रहा मिनी पाकिस्तान। मेरठ के पूर्व विधायक संगीत सोम का भड़काऊ बयान। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी लोग जिन्नावादी सोच लेकर आ रहे हैं। संगीत सोम ने कहा, पाकिस्तान की स्थिति अखिलेश यादव नहीं समझ रहे हैं। पाकिस्तान में भुखमरी से लोग मर रहे हैं। संगीत सोम ने कहा, अखिलेश यादव आप और आपके चेले जिंदाबाद, सोच छोड़ो और प्रदेश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति बंद करो। प्रदेश के अंदर जिस तरह से जातिवाद का माहौल समाजवादी लोग बढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान दो। अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए पूर्व विधायक बोले, प्रदेश के अंदर आपका बुरा हाल होता जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक विषय को लेकर आया हूं, और विषय पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग लोग, अलग अलग लोग और खासतौर से अखिलेश यादव और उनके चेले पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल जातियों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये जातियों के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये जिन्नावादी सोच ये क्यों बना रहे हैं, क्यों ये जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं। ये समझ नहीं रहे अभी स्थिति। अभी पाकिस्तान इन्होंने देखा नहीं, पाकिस्तान की रोज स्थिति देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोग भुखमरी में मर रहे हैं, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लोग चीनी के लिए मर रहे हैं, लोग दूध के लिए मर रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके चेले ये स्थिति बनाना चाहते हैं? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। मेरी सभी पार्टी के लोगों से यही कहना है कि खास तौर से इस बात पे ध्यान दें, चर्चा इस पे करें कि बढ़ती हुई आबादी किस तरीके से रुके। लेकिन अखिलेश यादव जी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आप और आपके चेले ये जिन्नावादी सोच छोड़ के और ये तुष्टिकरण की राजनीति बंद करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल आप लोगों का होने जा रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर विशेष ध्यान दें। जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक होने जा रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। मेरी यही आप लोगों से अपील है, और इसी पे एक विचार करने के लिए, एक बात करने के लिए आपके बीच में आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।